एग्री खेती मौसम समाचार। अगले 4-5 दिनों में पंजाब और हरियाणा में मौसम ठंडा और शुष्क रहने की उम्मीद है। 15 दिसंबर को पंजाब और 15-16 दिसंबर को हरियाणा में घने बादल छाए रहने की संभावना है। 13 से 15 दिसंबर के दौरान उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब में औसत अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। सापेक्ष नमी 15 से 30 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है, इसलिए किसी भी बीमारी के विकसित होने की संभावना कम है। हालांकि नियमित रूप से फसलों का सर्वेक्षण करते रहें। जल्दी और अधिक उपज के लिए टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी बोने का यह उचित समय है। ठंड के मौसम से फसलों को बचाने के लिए छोटे पौधों को ढके और हल्की सिंचाई करें। आलू की फसल को विषाणु रोग से बचाने के लिए नियमित रूप से फसल का सर्वेक्षण करें। यदि खेत में वायरस से संक्रमित पौधे दिखाई दे तो उन्हें मात्र कंद सहित उखाड़ कर नष्ट कर दें। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एग्री खेती ऐप डाउनलोड करें।